हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ, ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन के बारे में जानेंगे। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन में करंट चैलेंज क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर का इस कनेक्शन को लेकर, और आपको मैसेजेस वो क्या देने वाले हैं। तो ये सारी बातें आज के रीडिंग में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देर करें और देखते हैं क्या आता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से आपके लिए। और ये रीडिंग जनरल है, सभी ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन के लिए है। तो हो सकता है सभी के साथ मैच हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप यहाँ तक पहुँचें तो आप देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग और देखते हैं सबसे पहले तो आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है। होप, ओके ओके ओके। नंबर 5, नंबर 6, 6 एंड 17। देखो, इनको होप है किसी चीज को लेकर। इनका एक बहुत बड़ा सपना है कि इनका एक बड़ा सा घर हो, घर में हर एक चीज हो, घर जो हो, इनका जो ड्रीम होम है। इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। इनको बड़ा ही कुछ अचीव करना है लाइफ में, इनको एक बहुत कंफर्टेबल होम चाहिए। और हो सकता है कि अब जो इनके प्लान है ना, हो सकता है इनको जॉब वगैरह मिल गया है, या ऐसा हो सकता है कि इनको इतना अर्न करना है कि ये एक अपना ड्रीम हाउस परचेज कर सकें, ठीक है, जहाँ पर इनको काफ़ी कंफर्टेबल फील हो, एक अच्छी लाइफ ये लीड कर सके, इस तरह के इनके सपने हैं। लेकिन राइट नाउ ना, ये बहुत ज़्यादा अभी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ठीक है। और इनको ना रियलिटी बहुत हद तक समझ में आ रही है या दिख रही है कि क्या रियल है, कौन इनका अपना है, कौन इनका अपना नहीं है। बहुत सारा स्ट्रगल है इनकी लाइफ में अभी भी, लेकिन इनको होप है कि ये हर चीज़ मैनेज कर लेंगे। इनको होप है, ये अपनी लाइफ को ठीक करने में लगे हुए हैं इस टाइम। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ये तो सबका ही ड्रीम होता है कि अच्छा घर हो, सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अभी ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में इसको जॉब वगैरह मिल गया, या इसके 50-60% जो प्लान थे वो पूरे हो गए हैं, लेकिन अब ये पर्टिकुलर घर खरीदने के बारे में ही सोच रहे हैं कि इनको घर खरीदना है, ठीक है। जॉब इनका लग गया है, बट अब इनको अपना खुद का एक घर खरीदना है। अगर इनके पास घर है तो इनको और अच्छा कुछ अच्छे घर में शिफ्ट होना है, कुछ इस तरह का कंसर्न है। और उस इस तरह के घर को खरीदने के लिए इतना आसान नहीं है इस पर्सन के लिए, काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसके घर वालों की तरफ से इसके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। इसको हो सकता है जो भी इनको इनहेरिट हो रहा है ये उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको चाहिए एक डिफरेंट होम अपने लिए। इस टाइम इनको अपनी लाइफ बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी बनानी है ताकि ये अपने सपने पूरे कर सकें, ठीक है। तो इनको पर्टिकुलर घर खरीदना है और अपने लिए एक अच्छी लाइफ अरेंज करनी है, और इस बात की इनको पूरी होप है कि ये जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं इन सबको ठीक ख़त्म करके अपना ड्रीम पूरा करेंगे। और ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये इसके थर्ड आई चाक्रा को बैलेंस कर रहे हैं, रियलिटी दिखा रहे हैं, इसको रियलिटी समझ में आ रही है। लेट्स सी अब आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, आपके बारे में क्या है इनके माइंड में, इनके मन में, दिल में, आपको लेकर, अपने डिवाइन फेमिनिन के बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, स्टैंड योर ग्राउंड। नंबर 7, स्पिरिचुअल मैच्योर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके, लव बिगेन्स एंड पैशन इग्नाइटेड, वाओ, पेशेंस एंड प्लानिंग, ओके, पेशेंस तो रखा हुआ है आपके लिए इस पर्सन ने। देखो, ये चाहते हैं आपके लिए स्टैंड लेना क्योंकि आपके लिए पैशनेट हैं, आपसे ये अनकंडीशनल लव करते हैं। नंबर 11 आ गया, देखो यहाँ पे 1-1, ठीक है, और 66 नंबर तो पहले से ही है हमारे पास, मास्टर नंबर है ये। आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, चाहे कुछ भी हालात हों, कैसी भी सिचुएशन हो, आप इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बताते नहीं है ये बात आपको, लेकिन बट ये आपके लिए टाइम पे भी स्टैंड ले लेंगे। अगर आपको लगता है या कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, बट ये अपने थोड़े सपने पूरे कर लें ताकि आपको भी एक अच्छी लाइफ दे पाएँ,
तो ये स्टैंड ले लेंगे आपके लिए, ये आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, ये चीज़ दिख रही है। एक बार ट्रू लव ओरेकल कार्ड से भी चेक कर लेते हैं इनकी क्या फीलिंग्स हैं। अनकंडीशनल लव है गाइस, आपके लिए पैशनेट है ये पर्सन, आप ही से प्यार करते हैं, जुनून है इसके इसके सर पे सवार आपके लिए। डेटिंग, इसको डेट करना है आपको, ये बहुत दिल से चाहते हैं ये बात, आपके साथ ही सारा एडवेंचर करना है, वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है, ये चाहते हैं ये चीज़ें आप ही के साथ हो, क्योंकि आपका ना दिल बहुत साफ है, आप बहुत प्योर हो, आप बहुत ही काइंड हो, किसी के लिए बुरा सोचते नहीं हो, अच्छे इंसान हो, ट्रू डिवोटी हो, आपके अंदर सच्चाई है, दैट इज़ वाई पर्सन आपसे आपकी तरफ खींचते हैं, यू नो, चाहते हैं आपसे आपसे बात हो, आपसे आप ही के साथ, मतलब इसको लगता है कि आपके साथ रियल टॉक होता है, मतलब सच्चाई की बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, इधर उधर की बनावटी बातें नहीं हैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो, अच्छी बात करते हो, अच्छा बोलते हो, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को दिखती है आप में और आपको पसंद करते हैं, और ये आपकी क्वालिटी ही आपके ये जो क्वालिटीज़ हैं यही आपके पर्सन के दिल में अनकंडीशनल लव लेकर आई है आपके लिए। तो कुल मिला के बोलें तो आपके खुद के कर्मा हैं जो आपको एक पर्सन, आपके खुद के डिवाइन मैस्कुलिन आपको इतना प्यार कर रहे हैं, चीज़ें सारी अच्छी हो जाएगी आपके साथ, इसको अब समझ में आने लगी है बातें कि आपके साथ ही इसका लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है, और आपसे मिलने के बाद ये बिल्कुल यू नो इसको ऐसा लगने लगा कि यस मुझे अपना इनर वर्क करना है, तभी मुझे पीस भी मिलेगा। आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं, नो नो डाउट, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये कार्ड आ रहा है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, बट कुछ गाइज आपके लेसन अभी चल ही रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें अभी आपको हील करनी ही हैं, ठीक है, कोडिपेंडेंसी थोड़े बहुत अभी यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स दिख ही रहे हैं, एडिक्शंस दिख रहे हैं जो आपकी रोमांटिक लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। न्यू लव ऐसा भी हो सकता है कुछ के केस में कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पर ये आपको नहीं भूल सकते, ना ही ये आपको छोड़ेंगे, ये आएंगे आपके पास क्योंकि आपका ट्रू लव है ये। इवन यहाँ पर देखो कोई और पर्सन अगर है भी, कोई नया आ भी गया है, कोई न्यू लव इसकी लाइफ में, और ये सिर्फ और सिर्फ एडिक्शंस की वजह से हो रहा है, लेकिन आप ये समझ के चलें कि ये आप ही को और बेहतर तरीके से जानेंगे अगर कोई नया भी आ रहा है तो, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे और आप ही सबसे टॉप पर रहने वाले हो उसकी लिस्ट में, क्योंकि आपके साथ इसका सोल कनेक्शन है, ठीक है। तो ट्रू लव है ये, वापस आएगा, ओपन माइंड रहो, अभी हीलिंग फेज में हो, लर्निंग फेज में हो, सीखने की ही कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, नेगेटिव कुछ नहीं सोचना। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या होगा आपके पार्टनर का इस कनेक्शन के लिए। ये स्टैंड योर ग्राउंड का ही कार्ड है, ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने वाले हैं, नेक्स्ट एक्शन में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी इसको भी पता है कि कनेक्शन थोड़ा सा खतरे में है या फिर चीज़ें फेवर में नहीं है, बट ये मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हैं, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। फाइव ऑफ कप्स एंड वी हैव हाई प्रिस्टेस, आप लोगों का जो कनेक्शन है ना टेलीपैथिकली बना हुआ है, ये चीज़ क्लियर है यहाँ पर, बट यस यहाँ पे फाइव फाइव मास्टर नंबर आया है, ये नंबर बता रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम्स अभी हैं, इवन थर्ड पार्टी भी है, लेकिन फिर भी गाइस आप दोनों का ही यूनियन होगा, चिंता क्यों कर रहे हो, देखो यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, आप इस पर्सन के रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे कैसा भी सिनेरियो हो, यू मेक मी कंप्लीट, आप ही इसको कंप्लीट फील कराते हैं, तो यही सबसे बड़ा प्रूव है कि ये पर्सन वापस आएंगे। यू लव मी फॉर व्हाट आई एम, यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस एंड यू आर वाइज एंड विटी, आपको वाइज कह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हो, आप इनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते हो, यू लुक डीप इन टू माई आइज, आप इनकी आंखों में बहुत गहराई से देखते हो, यू लव मी और आप इनसे प्यार करते हो, देखो आपकी पूरी फीलिंग्स इस पर्सन को बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत अच्छे से ये जानते हैं आप कब कैसे फील करते हो इस पर्सन के लिए, कितना प्यार करते हो, इससे सब कुछ पता है आपके पार्टनर को,
ठीक है, तो कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव, प्रेयर करो गाइज, इस कनेक्शन के लिए प्रेयर करने के लिए ही कह रहे हैं डिवाइन आपको। प्रार्थना करो, अपना इनर स्ट्रेंथ बढ़ाओ ताकि आप अपनी पावर रिकॉग्नाइज करो और अपने इनर वर्क को पूरा कर सको। ठीक है, तो यस, इस पर्सन को होप है कि इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी पैशनेट हैं और आप ही के साथ इसको आगे का एडवेंचर करना है, आपको डेट करना है, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम्स खत्म होते ही चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, ट्रस्ट करो इसी बात पर और चीज़ें सारी ठीक हो जाएगी। दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।